हाँ जी, गया वापस आ लोश। चुके हैं भाई। वहां का हम लोग शूट नहीं कर पाए, बट इट वॉज सो अमेजिंग। संडे को आ रहा है एपिसोड, मतलब आज रात को आएगा आज भाई, इसको रात देखना को जरूर। तुम्हारे भाई ने दुम्मा उठा रखा, एक तरफा मामला कर रखा था, इनने तो सुनी ही है। जवाब दे दे, अगर मेरे उनने सीन ना काटे हो तो मौज आ जाएगी माँ की। यार ये देखो, ये सीन ना काटने वाली, मुझे पता है ये लोग सीन ना बहुत काटते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी बैठे हुए हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था कल ही, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, दूसरे जे इंस्टाग्राम लाइव पे, अलग अलग जो जो भी लोग मुझे जहाँ जहाँ फॉलो करे, मैंने बता दिया था कि क्या क्या एल्विश ने अंदर करा है और क्या कारस्तानी करी, और मामला एक तरफा कर रखा है। वो एल्विश अभी तो बता नहीं पाएगा यहाँ पे, बट देखते क्या कहा है। भाई क्या चल रहा है बिग बॉस में? बिग बिग बॉस बॉस में में तो एल्विश एक चल ही लड़का रहा चल रहा भाई, एक ही लड़का तहलका मचा रखा है एक लड़के ने। है। कौन, सन्नी आ रहा? तहल का कटालिया। फ्रैंक्स। अच्छा, मुझे लगा तहलका भाई चल रहे हैं। भाई देखो, बिग बॉस तो बहुत अच्छा चल रहा है, सही है। चले भी भगवान की दया से, बट मेरे सामने एक क्लिप आई है। कौन सी? किसकी आई है? अरमान मलिक की। हाँ भाई, भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, अरमान ये की दिक्कत बोलूंगा क्या? वो भगवान अरमान कसम, मलिक को कुछ चाहिए आपसे, मुझे भी लग रहा कुछ चाहिए। वो आपकी बहुत चाहिए उसको फेम, चाहिए एल्विश के हेटर्स का फेम कि एल्विश उसको कुछ बोल दे। वो बनना चाहती है भाई, जिस हिसाब से ऑब्सेस्ड है ना आपसे। अरमान कसम मलिक से हर एपिसोड में मेरा नाम लेता, मुझे लगता है अरमान नाम मलिक जपता है। प्यार लव्स मी। आप एक चीज बताऊं, उसके पास ना कुछ वायरल कंटेंट है ना अंदर कंटेंट है, ऑल्दो तो आई लाइक अरमान मलिक जब वो बात करता है या फिर जवाब अच्छा देता तो है किसी का, सही वो है चीज मुझे यार। पसंद है भाई। मैं भाई न्यूट्रल आदमी हूँ कोई। बहुत बढ़िया बोली। देखो ये होता है एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव से बोलना कि भाई वो जो जिस तरीके से जवाब देता पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होगा उस चीज़ का, वो तारीफ कर रहा है, बट वो तो पीछे पड़ा हुआ है। चीज अच्छी लगी, अच्छी बुरी तो बुरी, वैसे बुरा आदमी सुनो सुनो होगा। तो मैं कुछ बाहर के बस, मैं कुछ अंदर का आपको कंटेंट बना दिया सुनो हाँ, भाई। मेरा मैं नाम ले लेके करा, आपका एल्विस तो एक ये पॉइंट अच्छा है। था जी, हाँ कि भाई हम तो नॉर्मली यूं चलते हैं, अरमान चलता है ऐसे। ये किसने बोला? भूल आपने तो बोल के बोल जाता है क्या? गया। ये कब बोला मैंने भाई? अच्छा बोल अच्छा अच्छा अंदर, हाँ कि हम तो ऐसे चलते हैं, अरमान ऐसे चलता है। हाँ ये बोला मैंने, देखना यार मिस मत करना आज का संडे वाला वीकेंड का बार। मैं देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो अरमान भाई, तुम बाहर निकल गया होगे, तुम्हें पता लगेगा कि बहुत चीज़ें तुम्हारी ख़राब हो गई। देखो एग्जैक्टली जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, मेरा ना तुमसे मैं कभी ये भी तो है, मिला, ना सच मेरी बात तुमसे बोल कोई रहा बात हुई, ना मुझे तुमसे कोई लेना ना, देना। मैंने कभी तुमसे रोस्ट निकाला, रोस्ट तो निकाला ना, रोस्ट दो वैसे वो तो तीन साल यार हो गए। रोस्ट है ऐसे, मैं सारे खड़े खड़े रोस्ट मार दूँ। मैं वो एक चीज़ बता रहा हूँ, ना मुझे कोई इससे लेना देना, ना मुझे फ्यूचर में कोई लेना देना होगा, और ना मुझे इससे दोस्ती रखनी। दुश्मनी तो देखो तुम्हारी मर्जी है, ये बात है सिंपल सी। तो जितना इसने मेरा नाम ले दिया इसमें, उसके पीछे का वो कहाँ है, क्या कहते हैं उसको, पैसा? मोटिव, अरे नहीं, उसके पीछे का वो कहाँ है, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। लॉजिक हाँ भाई, लॉजिक यही है ना, लॉजिक। आप आपका नाम लेगा तो रील कटेंगी, अरे वीडियो यार वायरल होगी, यही है भाई उसका सुनो रील। सुनो, मैं बताता हूँ इस तरीके से। उसके पास अपनी ऑडियंस नहीं है, उसको प्यार करने वाले नहीं है, सोच रहा है कि इसका नाम लेता हूँ क्या पता कुछ लोग आ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं उसके होता। देखो पास देखो, उसके पास दो भाई हैं, प्यार करने वाले हैं उस उसके पे पास भाई, बहुत है। बहुत है और नहीं और भाई वो चाहिए। अंदर भी प्यार कर रहा है रात को। अंदर भाई किसी क्या? की पर्सनल चीजों से हमें कोई लेना देना हाँ नहीं वही है नहीं, भाई, वो फेक था। हमें बस अपने आप से लेना देना कि हमारा नाम क्यों घसीटा। अगर हमारा नाम ना घसीटा, हमारे बारे में फालतू ना बोलता, हम ये वाली वीडियो नहीं बनाते, समझ रहे हो ना। अब देखो उसने क्या करा, अरमान मलिक ने, अरमान मलिक का ना, एक बार मैं देखो, मेरे को उसकी पास हिस्ट्री से का भी पता है, मुझे सब पता है, पर मैं करता नहीं ये क्या चीज़ करता आपने वगैरह बिलो द बेल्ट। वो क्या? पहले भी गाली खाता था, जो पहले ये कंटेंट बनाता था, ये जो बहुत हाँ अभी भी माहिर गा बन रहा रखा है। कि हम तो कंटेंट बनाने वाले हैं, दो वाइफ को कंटेंट बोलना इट्स ओके, इट्स ओके, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। वो तब भी गाली खाता था, ये आज भी गाली खा रहा है विद फैमिली, बट अब ज़्यादा खा रहा है क्योंकि अब मामला ज्यादा ज्यादा हाईलाइट हो गया। लोग अब पीछे पड़ गए कि भाई दो वाइफ कैसे रख रखी हैं, हाईलाइट लीगल नहीं, इलीगल अब स्टफ, वो ये वाली सारी बात है चीजें हो ना, गई, केसेस की, ये केस है, सना वो केस है। नहीं, भाई मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी की पर्सनल लाइफ। ये चीज़ तो लास्ट ईयर की जो सना है उसने भी ये चीज़ बोली है। लास्ट ईयर जब वो सना आई थी, वो एडवोकेट, उसने भी बोला कि ये मैरिज इलीगल है, ऐसा बोला है एडवोकेट है। को निकाल निकाल के, खरोच खरोच के, भाई तुमने ये कर रखा, वो कर रखा, ट्रेंड चल रहे हैं गलत गलत। है तो एट दी एंड होगा खराब आदमी, बट है तो वो भी इंसान ही, कि बाहर आएगा देखेगा कि भाई ये क्या नाश हो रखा, उसे अंदर से ना बहुत सोच स्टड उसको एक फील। चीज पता नहीं उसे पता क्या क्या, लगा रहा अंदर उसकी बैठ के, एक वाइफ तो उसको वो कर रही है, डिवोर्स दे रही है सोशल मीडिया चलता पर। रहता था क्या वो वाइफ बोला, क्या कर रही है, डिवोर्स दे रही है कौन उसे, सी वाइफ डिवोर्स दे रही है, बाहर निकल गई है, पायल मलिक। उसने स्टोरी बोले, वीडियो वीडियो सब भाई बना मेरे को दिया कोई भाई। आइडिया नहीं, देखो किसका डिवोर्स हो रहा है, मुझे मतलब भी नहीं भाई, उनकी पर्सनल चॉइस अरमान है। मलिक को पता क्या लग रहा है, उसकी बहुत रीले कट रही है, सब कुछ हो रहा पर है, भाई मैं सही लग एक रहा है। एक
एक बात कट रही है, नेगेटिव रिलेटेड सारी बातें पता है, फिर भी कटा रहे, ये पॉइंट नहीं उठाता वो भी उनके लेना देना मत नहीं मेरे को, इसने कटा रहे कोई पर्सनल अटैक नहीं छोड़ा, अगर आ गया पर्सनल पे कटारिया पर्सनल तो देखो मैं जाता ही नहीं, मतलब पर्सनल किसी के बिलो द बेल्ट जिसको हिट करना हो, बहुत पॉइंट होते हैं भाई किसी भी इंसान की ऐसे तैसी करने में, किसी के घर वालों के बारे में कुछ बोल दो, कोई पुरानी हिस्ट्री उठा के ले आओ, कुछ भी ले आओ, बहुत चीजें होती हैं सबके पास ही, इंसान इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का। अभी अरमान ने बोल रखा कि एल्विस तो 90% लक पे चलता है, ना वो कुछ ये करना आता ना वो करना आता, ये होता वो होता, जब तू दूसरी शादी करने की कोशिश में था ना उस टाइम पे, तो ये बात भी हम YouTube पे बढ़िया छा चुके थे भाई, मतलब भगवान की दया से प्यार कर रहे थे लोग, जब तू दूसरी चीज होता डोल रहा था ना कि कौन सी पकड़ू कौन सी नहीं पकड़ू, और कौन सी मालिश करियो बढ़िया से, ये चीज मैंने बोली थी अपने लोगों को पता है, ठीक है ना भाई, हमारे मुंह मत लगा भाई, किस्मत से भाई हर चीज नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, कोई ना किस्मत भी तो है, मारी किस्मत है ना तेरी किस्मत है, तो कर ले हमारे तो मेहनत है भाई, मारी किस्मत है, उसकी किस्मत है दो बीवी है खत्म कर, वही तो बहुत अच्छी किस्मत है, और नंबर तुम्हारा गलत है जो तुम बोल रहे हो, दो बीवी हां ये गलत नंबर बोल रहा है, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ना हम पर्सनल जाते ना हम कभी पर्सनल जाएंगे, हमारे कोई उंगलीबाजी करेगा तो देखो अच्छा भी लगता, हम भी इंसान है भाई, बुरा लगता है ना चीजों का, मेरा नाम क्यों ले रहा साढ़े, हमने जाना है तू मुझे है कभी, हाँ मतलब वैसे तो देखा है आधार कार्ड में पता नहीं क्या होगा, भाई उसको तुम्हारा सपना आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, रात को अपने आप को टच करते होगे तुम मेरे नाम से, टच करते हैं भाई मेरा नाम नूम बिग बॉस में तो चलो क्या ही सुन रहा होगा, बाहर आके भी मेरा नाम मत लेते भाई अपनी जुबान से, मेरे को बुरा फील होता इस जुबान से मेरा नाम आ रहा, ठीक है अपनी हरकतें ठीक करो, अपना घर बार ठीक करो, अपनी लीगल चीजें कर दिया यार, अभी पॉइंट मोड़ दे, तेरे पे भी तो है, हम भी कर रहे हैं, ठीक है तू भी कर, और गेम भाई गेम को गेम की तरह, हाँ यार बिग बॉस है शो है, एक शो की तरह रहो ना, हर किसी किसी की पर्सनल जिंदगी में क्या घुसते हो भाई, रात भर सोच के अगले दिन बोलता है, मैं बता, हजार आदमी रेडी बैठे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसने को और वीडियो बनाने को कि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, हजार आदमी करेक्ट बात है, तेरा ढिंडोरा पीठ से डोले, मेरी तो लास्ट वीडियो भाई अरमान मलिक के ऊपर, क्योंकि अब आगे से अगर इसने कुछ बोला तो ही बनाऊंगा, हम तो बनाते ही साला पागल, गेट अ लाइफ ब्रो, गेट अ लाइफ, वन मोर वाइफ, नहीं वाइफ मत होते भाई, सॉरी मैं तो अभी भी नहीं कर रहा इन चीजों पे कमेंट, किसी की कितनी वाइफ हो भाई, भगवान जाने, खुद जाने, उसकी बहू जाने, उसके बालक जाने, उसका खानदान जाने भाई, ठीक है, और उसके एक्स वाइफ जाने, जो भी जाने, ठीक है भाई, चलो भाई, तो बात तो कहीं ना कहीं एल्विश ने यहाँ पे एकदम क्लियर बोली है, अरमान मलिक को ग्रिल किया है और अदनान को भी ग्रिल किया है, ये बात तो मैंने आपको कल बता दी थी, एग्जैक्टली यही चीज़ होने वाली है, बस सीन ना काटे, सीन काटेंगे तो दिक्कत है, देखो फिर सीन काटेंगे तो एल्विश को अलग से बोलना पड़ेगा व्लॉग में कि मैंने ये भी बोला था, मैंने वो भी बोला था चीज़ें, क्योंकि ये तो हैवी ड्यूटी वाले एडिटर्स बैठे हुए हैं, आपका क्या कहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये मेन जेठाकर्स पे तो है ही है, बट मेरा इंस्टा फेसबुक और दूसरा जो इंस्टाग्राम लाइव ये भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे मेन आ रहा हर एक चीज़।